जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल साइंस स्किल पे। दोस्तों, आज हम लेके हाजिर हैं स्पेशली बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस और उसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम जो इस चैनल पे लाएंगे स्पेशली MMHAPU, मतलब मौलाना मजहरुल हक अरबिक पार्सियन यूनिवर्सिटी, ये पटना में अवस्थित है और इसके जितने भी कॉलेजेज हैं तो उनके लिए स्पेशल वीडियो रहने वाला है। और ऐसा साथियों कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से भी बीएड की कोर्स कर रहे हैं तो भी आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 95 से 96% ऑलमोस्ट यही सिलेबस रहता है सभी यूनिवर्सिटीज का। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस के बारे में जानकारी सबसे पहले हम लोगों की होनी चाहिए। हालांकि दोस्तों, इसके पिछले वीडियोज में हम लोग बीएड के सिलेबस के बारे में देखा था कि फर्स्ट ईयर का क्या क्या सिलेबस होते हैं, लेकिन फिर से इसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस होती है। तो हम लोग अभी स्पेशल बीएड फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। तो बीएड फर्स्ट ईयर में टोटल पेपर का बात किया जाए तो टोटल पेपर 1 2 3 4 5 6 7 7 ए के नाम से जानते हैं, और EPC 1, EPC 2, EPC 3, यानी कि टोटल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक आपके 10 पेपर्स होते हैं। बात किया जाए EPC का पूरा नाम, तो EPC का पूरा नाम होता है इन्हेंस प्रोफेशन कैपेसिटी। तो कुल मिलाकर आपके इधर टोटल हो गए आपके पेपर 10, और सभी पेपर का अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि बात किया जाए, पहला पेपर का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये एक तरह का सब्जेक्ट हो जाता है, पहला सब्जेक्ट, यानी कि जिस तरीके से आपका टेंथ में होता है ना मैथ सब्जेक्ट, वैसे ये सब्जेक्ट का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसका हिंदी इसके नीचे दिया गया है बाल्य अवस्था एवं उसका विकास। दूसरा का नाम है कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, माने समकालीन भारत और शिक्षा। तीसरे सब्जेक्ट का नाम है लर्निंग एंड टीचिंग, यानी कि अधिगमन एवं शिक्षण। चौथे का नाम है लैंग्वेज अक्रॉस द सरिकुलम, संपूर्ण पाठ्यक्रम में परिभाषा। पांचवें का नाम है अंडरस्टैंड डिसिप्लिन सब्जेक्ट, माने अनुशासन विषय की समझ। छठा का नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग विद्यालय एवं समाज। और 7A सब्जेक्ट का नाम है पेडागोजी, और पेडागोजी जो सब्जेक्ट होता है आपके ऑनर्स सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि आपका BSc में मैथ सब ऑनर्स है, तो आपका पेडागोजी जो होगा वो मैथ ही सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा। अच्छा, मान लिया जाए कि आपका फिजिक्स ऑनर्स ग्रेजुएशन में है, क्योंकि BA के बाद ही ना आप BEd करेंगे, तो आपका BA में जो ऑनर्स सब्जेक्ट होगा वही पेडागोजी कहलाता है। और EPC 1 वाला जो सब्जेक्ट है इसका नाम है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, यानी इसका हिंदी हुआ विषय वस्तु पठन का पाठों पर प्रभाव। फिर है EPC 2, तो इसका नाम होता है सब्जेक्ट का ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में नाट एवं कला। उसके बाद EPC 3 है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक की समीक्षात्मक समझ। और ICT जो होता है इसका पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो कुल मिलाकर ये 10 सब्जेक्ट के बारे में देखें, और आप इधर जो राइट साइड में देख पा रहे होंगे ये सभी सब्जेक्ट का कितने टोटल मार्क्स के होते हैं और उसमें कितना थ्योरी होता है और कितना प्रैक्टिकल होता है। तो पहला वाला सब्जेक्ट जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, ये आपकी जो एग्जाम होगी बीएड फर्स्ट ईयर में, इसमें 80 की थ्योरी होती है और 20 की प्रैक्टिकल, यानी पहली वाली सब्जेक्ट जो होती है वो टोटल 100 मार्क्स की होती है, जिसमें 80 का थ्योरी आता है और 20 का प्रैक्टिकल आता है। वैसे ही सभी सब्जेक्ट के राइट साइड में आपको ये दिखाया गया है कि टोटल कितने मार्क्स के होते हैं, जिसमें थ्योरी कितना का होगा और प्रैक्टिकल कितना का होगा। तो कुल मिलाकर देख पा रहे होंगे कि आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि तीन जो सब्जेक्ट है वो 100-100 मार्क्स का होता है, जिसमें 80 का थ्योरी और 20 का प्रैक्टिकल होता है। उसके बाद बाकी का जो 7 सब्जेक्ट है, यानी कि शुरू का 3 सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है, और बाकी का इधर 7 सब्जेक्ट वो आपका 50-50 का होता है, जिसमें 40 का थ्योरी और 10 का प्रैक्टिकल, ऐसे ही सब में होता है। इस तरीके से बीएड में जो है आपको टोटल
मार्क्स होती है वो 650 को होती है। तो जैसा कि आप डिस्कस यहाँ पे हम लोग कर रहे थे अभी सब्जेक्ट को लेकर कि हम लोगों को कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो यही हम लोगों का टोटल सब्जेक्ट है। इतना अगर टोटल कंप्लीट कर लिए दोस्तों तो बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस हम लोगों को ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अब हम चीज़ों को कंप्लीट कैसे करेंगे। सबसे पहले जो पहला सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट क्या है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसमें से टोटल 100 मार्क्स का आने वाला है। तो हम क्या करने वाले हैं कि जो पहला सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट से टोटल 20 से 25 क्वेश्चन को हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, वीवीआई क्वेश्चन करेंगे पहला सब्जेक्ट का, यानी कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का भी 20-25 क्वेश्चन लगभग हम लोग वीवीआई करेंगे। उसके बाद कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन से भी 20-25 क्वेश्चन करेंगे। मतलब सभी जो सब्जेक्ट है, यानी कि टोटल 10 सब्जेक्ट हैं, इन 10 सब्जेक्ट का हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के ये रहा दोस्तों हम लोगों का पहला चैप्टर। तो ये पहला चैप्टर है हम लोगों का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इस चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मैंने बहुत तगड़ा वीवीआई क्वेश्चन आपको बीएड के एग्जाम में ये सब्जेक्ट से एग्जाम होगा तो आपको ये क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, वैसे ही क्वेश्चन को करेंगे। ऐसे अगर बात किया जाए तो ये जो पहला सब्जेक्ट है ये 5 यूनिट में बटे होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 5 यूनिट होते हैं इसके अंदर। पहला यूनिट का नाम, तो जब आप बुक पढ़िएगा, क्योंकि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो है एक सब्जेक्ट का मोटा सा बुक आता है, क्या समझे, तो ये मोटा सा बुक के अंदर ये 5 यूनिट्स को पढ़ेंगे। जब ये 5ों यूनिट को पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर ढेर सारा करने के बाद तब जाकर ये पहला सब्जेक्ट खत्म होता है। जिस तरीके से 10th में हम लोग साइंस का बुक होता है, SST का बुक होता है, नहीं SST में कैसे होता है कि ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटिक्स होता है, उसके बाद हिस्ट्री होता है, वैसे ही यूनिट इसमें है। तो याद रखिएगा जैसे कि SST एक सब्जेक्ट हो गया वैसे ही ये हो गया चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। और उसके अंदर के जो यूनिट होते हैं, जैसे SST के अंदर आ गया आपका क्या, तो SST के अंदर आ गया आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स आ गया ना, तो वैसे ही इसके अंदर का 5 है। और आपको क्या लगता है हिस्ट्री का भी तो चैप्टर होता है, तो यही है, ये तो यूनिट फर्स्ट है। जब आप बुक पढ़िएगा तो इसके अंदर भी आपको क्या है, एक एक चैप्टर मिलेगा, उन चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। तो बहुत आपको देखने में ये इजी लग रहा होगा, क्योंकि हम यहाँ बुक से नहीं करवा रहे, अपना खुद नोट्स से करवा रहे हैं इसको, तो इसलिए आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन ये इजी नहीं है। रियलिटी बोले तो ये बहुत हार्ड है सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करना, लेकिन हम इसको बहुत इजी बनाने वाले हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन को हम लोग करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम यहाँ पे करने वाले जो पहला सब्जेक्ट दिख रहा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, इसका टोटली यानी कि 5ों यूनिट का हम लोग ये 5ों यूनिट से टोटल 20-25 क्वेश्चन करेंगे। 5ों यूनिट से, यानी जब 5ों यूनिट के 20-25 क्वेश्चन कर लेंगे तब हम लोगों का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप वाला जो सब्जेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है, आएगा सवाल संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आपको ए और बी करके सवाल पूछा जाएगा। तो पहला सवाल है नैतिक विकास के कोलबर्ग सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ पर टिप्पणी करना है। मतलब कि आपका मेन पॉइंट क्या हुआ कि नैतिक विकास के कोलबर्ग सिद्धांत, नैतिक विकास के कोलबर्ग सिद्धांत अगर ये पूछेगा तो आप क्या लिखेगा। तो सबसे पहले चूंकि इसका 2 क्वेश्चन है तो हम अगले वीडियो में डिलेक्सिया को समझा देंगे। डिसलेक्सिया भी आता है, डिलेक्सिया भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो इसके पहला क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बोल रहा है कि आप बताइए कोलबर्ग सिद्धांत क्या है जो नैतिक विकास से संबंधित है। तो नैतिक विकास के कोलबर्ग सिद्धांत से रिलेटेड सवाल है। अच्छा, इसके पहले हम 5 यूनिट्स का बारे में बोले तो ये 5 यूनिट्स का नाम है दोस्तों। पहला यूनिट्स का नाम है अंडरस्टैंडिंग चाइल्डहुड। अगर आप साइंस पढ़े होंगे 10th में तो 10th में हो गया साइंस यानी सब्जेक्ट, और साइंस के यूनिट हो गया, तो साइंस के यूनिट हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री,
बायोलॉजी, तो वैसे ही यूनिट है ये, और ऐसा थोड़ा ना है फिजिक्स का भी चैप्टर होता है। तो ये वैसा ही समझिए कि पहला यूनिट है अंडरस्टैंडिंग चाइल्डहुड, दूसरा है एडोलेसेंस, अंडरस्टैंडिंग सोशलाइजेशन एंड द, यानी कि ऐसे ऐसे करके ये यूनिट्स का नाम हो गया। अगर जब आप बुक पढ़िएगा तो इसके अंदर भी आपको चैप्टर मिलेंगे, एंड पहला जो यूनिट है अंडरस्टैंडिंग चाइल्डहुड, इसके अंदर भी आपको अलग अलग सब चैप्टर मिल जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे नाम बताना भूल गए थे। चलिए तो हम लोग आगे पढ़ रहे थे कि संक्षिप्त टिप्पणी में आपको आएगा क्या, तक कोलबर्ग के सिद्धांत और दूसरा डिलेक्सिया। एकदम रट लेना है कि कोलबर्ग सिद्धांत क्या है और डिलेक्सिया क्या है। डिलेक्सिया भी कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं डिसलेक्सिया भी लिखा रहता है। तो सबसे पहले आज हम पहला के एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कोलबर्ग सिद्धांत के बारे में बताएगा। तो याद रखिएगा एक और वैज्ञानिक, उस एक वैज्ञानिक का नाम है जीन पियाजे। जीन पियाजे एक वैज्ञानिक का नाम है। तो जीन पियाजे की तरह कोलबर्ग ने बताया कि नैतिक विकास कुछ अवस्था से होता है, यानी कि जीन पियाजे का भी मानना था कि जो नैतिक विकास होता है बच्चों में वो अवस्था के कारण होता है। मतलब क्या कि उनकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनकी अंदर के सोचने समझने का विकास जो है बढ़ते रहता है। उसी को लेकर यानी उनके ही जैसा कोलबर्ग ने भी वही बताया कि नैतिक विकास जो होता है वो अवस्था से होता है। कोलबर्ग ने पाया कि अवस्थाएं सार्वभौमिक होती है। उन्होंने इस बात का निर्णय 20 वर्ष के बच्चों को साक्षात्कार पर किया। यानी कि कोलबर्ग एक वैज्ञानिक का नाम है, जीन पियाजे भी एक वैज्ञानिक का ही नाम है। तो कोलबर्ग जब अपने सिद्धांत को बता रहे थे तो उन्होंने 20 वर्ष तक के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया अलग अलग, जैसे एकदम छोटा बच्चा से लेकर यानी कि 2-3 साल तक के बच्चों को लेकर, 1 साल से बच्चों को लेकर, 10 साल 20 साल तक के बच्चों पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के करने के बाद कुछ अपना सिद्धांत दिया। तो कोलबर्ग के नैतिक विकास की याद रखिएगा कि 3 अवस्थाएं होती है, यानी कि कोलबर्ग सिद्धांत जब भी आएगा तो आप जरूर लिखिएगा कि जीन पियाजे की तरह ही कोलबर्ग ने विकास, नैतिक विकास की अवस्था जो होती है वो अवस्था से होती है, और इनकी 3 अवस्था दी गई है। पहली अवस्था का नाम है पूर्व रूढ़िगत नैतिकता अवस्था, यानी कि 3 अवस्था दिया गया जिसमें पहला का नाम है पूर्व रूढ़िगत नैतिकता अवस्था। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि दूसरा क्या है। तो दूसरा का नाम है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी कि 3 अवस्था दिया गया है। दूसरा का नाम है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, और तीसरा का नाम है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर ये 3रा अवस्था है। अब चूंकि आप जानते हैं कि बीएड में जो क्वेश्चन आता है एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का आता है, तो आप इसका आंसर भी 2-3 पेज में, 4 पेज में चला जाता है। तो कुल मिलाकर एक क्वेश्चन को पूरा लॉन्ग टाइप का आंसर होता है लिखने वाला, तो आप इतना शॉर्ट में तो होता नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है थोड़ा सा लंबे होते हैं। तो अब 3 अवस्था हो गया, अब 3ों अवस्था को भी हमको आंसर में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बीएड फर्स्ट ईयर के इस चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप वाले सब्जेक्ट में। तब पूर्व रूढ़िगत नैतिकता अवस्था, यानी कि जो 3 अवस्था हुए थे, अब 3ों अवस्था के बारे में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे यहाँ पे कि क्या है। तो यह अवस्था जो है 4 से 10 वर्ष के बीच मानी जाती है। मतलब क्या कि पूर्व रूढ़िगत नैतिकता अवस्था जो है ये 4 से 10 वर्ष के बीच मानी जाती है, यानी कि जिनकी वर्ष 4 साल से 10 साल के बीच है वो पूर्व रूढ़िगत कहलाएंगे। इस अवस्था में बाहर से मिलने वाला पुरस्कार एवं दंड तथा क्या सही है क्या गलत है इस पर आधारित होती है। मतलब क्या कि 4 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं ये दंड पर नहीं देखते, 4 से 10 साल के बच्चों को कोई पिटाने के डर से वे लोग कुछ भी काम करते हैं, यानी कि या तो उनको अगर पुरस्कार दीजिएगा तो उनमें अंदर लालच की भावना होती है कि हम ये करेंगे तो ये चीज़ मिलेगा, अगर हम नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, या फिर दंड के वजह से वे लोग सही गलत का निर्धारण करते हैं कि अगर कोई ज़्यादा शरारती बच्चा है तो उनको दंड से, यानी कि कोई मार पीट दे रहा है इसके वजह से उनके अंदर कुछ मेहनत करने की शक्ति आती है। तो ये 4 से 10 साल के बच्चों में आता है जिसको हम लोग पूर्व रूढ़िगत नैतिकता विकास कहते हैं। जैसा कि जानते हैं अब
पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का भी दो चरण है। अब इसके भी दो चरण है। अब क्या क्या चरण? तो पहला चरण और दूसरा चरण। तो पहला चरण में बताया गया कि इस चरण में नैतिक सोच सजा से संबंधित होती है, अर्थात कोई गलत कार्य करने पर दंड दिया जाता है। बिल्कुल सही। यानी कि पूर्व रूढ़िगत में, या ऐसा याद रखिएगा कि 4 से 10 साल के बीच होता है, और इसमें जो है बच्चा है, जो 4 से 10 साल का जो बच्चा होता है, इसमें या तो उसका पुरस्कार दीजिएगा, कोई चीज़ दीजिएगा कि तुम जो है ना पहाड़ा याद कर लो तो तुमको ये चीज़ देंगे, चॉकलेट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेगा पढ़ने में। या नहीं तो कोई ज़्यादा शरारती बच्चा है, उसको पूरा मार मार उड़ के पढ़ाया जाता है ताकि वो डर से याद कर ले। तो 4 से 10 साल के बीच वाले बच्चों को ये दोनों चीज़ें पाई जाती है। इसके भी दो चरण हैं। तो पहला चरण क्या है कि यह चरण सजा से संबंधित है। याद रखिएगा कि पूर्व रूढ़िगत में पहला चरण जो है इसमें सजा से लोग जो है पढ़ते हैं, यानी कि इसमें दंड दिया जाता है, जैसे कि बड़ों की बात माननी चाहिए नहीं तो वे हमें दंडित करेंगे। तो बच्चों के अंदर ये सोच आता है कि नहीं, जो बड़े लोग कह रहे हैं वो सही है और उसको मानना चाहिए, नहीं मानेंगे तो फिर पिटाने लगेंगे। तो ये प्रथम चरण में बताया गया। दूसरा चरण क्या है? इस चरण के अंतर्गत व्यक्ति एक दूसरे का हित साधने का चिंतन होता है। इस चरण में वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो। यानी कि अब इसका दूसरा चरण बताया गया कि और बच्चा कैसा सोचता है, बच्चा सोचता है कि हम उसको कुछ करेंगे तो वही हमको हेल्प करेगा। मतलब कि इस 4 से 10 साल के बच्चों में ये दूसरा चरण बताया गया है। कॉलबर्ग ने ये सब एक्सपेरिमेंट करके बताया है कि दूसरा चरण में बताया गया कि बच्चों में ये भी सोच आता है कि मान लीजिए कि हम उसको कुछ दे रहे हैं खाने के लिए, जिन्हें होता है बहुत सारा होता है, 4 से 10 साल के बीच में अपना लंच वगैरह बॉक्स ले जाते हैं, तो अपना खाना उसको कुछ खिला दिए, तुम क्या लाए हो, तो ये लाए हैं। तो इस बच्चा ये सोच लेता है कि लेन देन के बारे में, कि अगर हम उसको हेल्प कर रहे हैं, हम उसको कुछ देंगे तो अगला भी, हमारा दोस्त भी हमको देगा। तो ये भी गुण किस में पाया जाता है? 4 से 10 साल के बीच में, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का विकास। फिर दूसरा है, जैसा कि आप जानते हैं तीन अवस्था था, तो दूसरी अवस्था का नाम है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। आप पहले क्या पढ़े? पूर्व रूढ़िगत, जो कि 4 से 10 वर्ष के बीच हो रहा था, और वैसे ही याद रखिएगा कि रूढ़िगत नैतिकता का जो स्तर है ये 10 से 13 वर्ष के बीच मानी जाती है। यानी जो लड़का या जो लड़की, जो बच्चा 10 से 13 साल के बीच में आता है, उसको हम लोग कह देते हैं रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इस अवस्था में लोग एक पूर्व आधारित सोच में चीजों को देखते हैं। यानी कि इसमें अब इस 3 सालों में, यानी 10 से 13 साल के बीच में जो है, अब बच्चा में थोड़ा सा थिंकिंग लेवल बढ़ जाता है। अब बहुत सारे चीज़ों पर सवाल उठाने लगते हैं बच्चे कि अच्छा ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, बहुत सारा चीज़ों को। अक्सर देखते होंगे कि जब बच्चा जन्म होता है तो बच्चा ये सवाल इसी उम्र में करता है कि बाबू कहाँ से आया, तो मम्मी सब बोलते हैं ना बाबू को ना हम ऊपर से टपका दिए, भगवान जी गिरा दिए। तो यही सब बात जो है बच्चों में ये समझदारी आता है 10 से 13 वर्ष के बीच। फिर लिखता है, इस अवस्था में लोग एक पूर्व आधारित सोच में चीज़ों को देखते हैं। बिल्कुल, जैसे बच्चों का व्यवहार उनके माता पिता के समान होना चाहिए। हाँ, एक इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि इसी साल के बीच में जो है बच्चों का रहने का तरीका, बोलने का तरीका, सब कुछ करने का तरीका वो माता पिता से सीखते हैं कि मेरे पिताजी कैसे बिहेवियर कर रहे हैं, कोई आ रहा है तो उसको हम लोग किस तरीके से रिस्पेक्ट आदर सम्मान करते हैं। नहीं देखते हैं कि अगर कोई आता है हमारे पास, कोई क्या बोलते हैं, रिलेशन वाले या कोई भी जो आसपास में लोग आते हैं, तो हम लोग को चेयर देते हैं बैठने के लिए, नाश्ता पानी देते हैं, ये सब, तो इस तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये सब बच्चे जो है इसी उम्र में अपने माता पिता से सीखते हैं। देखिए आगे लिखा है, अर्थात जैसे उनके माता पिता रहे होंगे वैसे ही मिलते जुलते गुण उन बच्चों में आएंगे। बिल्कुल सही। यानी उनके माता पिता के रहने का तरीका, खाने का तरीका, सब चीज़ जो है ये सब बच्चे सीखते हैं। यानी कि माता पिता में रहने खाने का जो गुण होता है ये सब बच्चे सीखते हैं। अब इस अवस्था में भी दो चरण हैं। यानी पहले हम लोग पढ़े पूर्व रूढ़िगत, उसके भी दो चरण, और अभी पढ़ रहे हैं हम लोग रूढ़िगत, इसके भी दो चरण। तो इसका पहला चरण क्या है? यह चरण नैतिक विकास पर आधारित होता है। इस अवस्था में लोग एक दूसरे का ख्याल रखना,
दूसरे से निष्पक्ष व्यवहार को नैतिक व्यवहार का आधार मान लेते हैं। यानी कि प्रथम चरण क्या बताता है? तो प्रथम चरण बताता है कि उनके अंदर नैतिक विकास है, उस पर आधारित होता है। इस अवस्था में किसी दूसरे लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं, जैसे इस इतने साल के बच्चे लोग जो हैं अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखते हैं। पापा अगर मान लीजिए कि मम्मी नहीं है, कहीं चली गई, तो तुरंत बच्चा सवाल करता है, मम्मी कहाँ है, कैसी होंगी। यानी कि बहुत वो बच्चे जो होते हैं ना, माता पिता के बहुत प्रिय होने लगते हैं, किसी के बारे में बहुत ख्याल रखते हैं। और जैसे में लिखा हुआ है, बालक अपने माता पिता के नज़रों में एक अच्छा लड़का बनने की कोशिश करता है, और इसी उम्र में बच्चा खूब मेहनत करता है, अपने माता पिता से बहुत प्रेम पाता है। बोल सकते हैं कि बच्चे चाहते हैं इसी उम्र में कि हम माता पिता के नज़रों में अच्छे रहें, अच्छे कुछ करें, ठीक है। तो ये पहला चरण था रूढ़िगत नैतिकता का स्तर का। इसका दूसरा चरण भी है। यह चरण सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित होता है। यह लोगों में नैतिक निर्णय आदेशों का कर्तव्य पर आधारित होता है। जैसे इसमें किशोरों का सोचना होता है कि समाज अच्छे से चले, इसलिए सबको समाज के दायरे में ही रखना होता है। अब दूसरा चरण इसमें बताया गया कि इस इतने साल के बच्चे जो है ये भी सोचने लगते हैं कि समाज में कैसे रहना चाहिए, समाज में लोगों का प्रेम कैसे मिलेगा, समाज को किस तरीके से चलाना चाहिए, समाज में बैठना चाहिए तो समाज में उठना तो चाहिए। देखते हैं सब मम्मी लोग इसी साल की उम्र को जानकारी देती है कि अगर कहीं अगर एक साथ खाया करो तो एक साथ ही सब साथ में उठना चाहिए, या समाज में कैसे बातें करनी चाहिए। तो सभी सारी चीज़ें बच्चों को रूढ़िगत नैतिकता का स्तर में सिखाया जाता है। इसके भी दो चरण हो गए। फिर आपको पता है कि तीसरी अवस्था भी है। तीसरी अवस्था का नाम है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। अब यह अवस्था कितने साल के, तो आपको पता होना चाहिए 13 वर्ष के ऊपर मानी जाती है। कुल मिलाकर आप क्या देखें कि कोलबर्ग सिद्धांत जो है जिन प्याजे की तरह ही एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है, जिसमें नैतिक विकास को 3 अवस्था में बांटा गया। एक होता है पूर्व रूढ़िगत, रूढ़िगत और उत्तर रूढ़िगत। ये जो है पूर्व रूढ़िगत, ये 4 से 10 साल के बीच होता है, और ये भी 10 से 13 साल, अभी 13 से ऊपर, जिसको उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर कहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर है, ये 13 वर्ष से ऊपर मानी जाती है, और इसके भी 2 चरण है, यानी कि तीनों अवस्था के दो दो चरण जरूर याद रखिएगा। प्रथम चरण बताया गया कि यह चरण मूल अधिकार एवं मूल सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें व्यक्ति एक यह सोचने लगता है कि कुछ मूल अधिकार और मूल सिद्धांत कानून से भी ऊपर है। मतलब कि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं अब ये सोचने लगते हैं कि अब हमारा मूल अधिकार क्या है, हम क्या कर सकते हैं। मैंने अभी एक उन पे अधिकार आने लगता है जो उनके माता पिता पे पहले आधारित था। यानी कि अब उनको घर से रिलेटेड, घर से संबंधित, या उनके जो सोचने विचारने का जो क्षमता है, एक पेरेंट्स की तरह आने लगता है जब उनकी उम्र 13 वर्ष से ऊपर आने लगती है। यानी कि उनको एक माता पिता के तरह क्या अधिकार मिलना चाहिए कि अपने घरों में या घरों के विकास में, या जो अपना परिवार का जो विकास हुआ उसमें, ये उस तरह से सोचने लायक हो जाते हैं। दूसरा चरण क्या है इसका? चरण सार्वभौमिक नीति समस्त सिद्धांतों पर आधारित होती है। इस चरण को कोलबर्ग की सिद्धांत की सबसे उच्चतम अवस्था मानी जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब आप बीएड एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे तो याद रखेंगे कि ये सबसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। बीएड एग्जाम क्वालिफाई करने से तुरंत थोड़े ना नौकरी हो जाएगा। बीएड एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद टेट के एग्जाम में बैठेंगे, तो टेट के एग्जाम में इसी से सवाल आते हैं। तो अगर वहाँ पे सवाल आएगा कि कोलबर्ग के सिद्धांत को सबसे उच्चतम अवस्था किस अवस्था को मानी जाती है, तो राइट आंसर इज उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। तो ये था हम लोगों का कोलबर्ग नैतिकता का सॉरी कॉलबर्ग का सिद्धांत। तो कुल मिलाकर कॉलबर्ग के सिद्धांत आएगा तो हम लोगों को इतने सारी चीजों को डिस्कस करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आज हम लोग डिस्कस किए दोस्तों कॉलबर्ग के सिद्धांत, जो कि हम लोगों का इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, और ये पहला ही क्वेश्चन है, पहला का हम लोग पहला क्वेश्चन किए। अगले जो वीडियोज होंगी उसमें हम डिलेक्सिया को समझाएंगे कि डिलेक्सिया क्या है,
इसके बारे में हम लोग क्या क्या लिखेंगे। तो कुल मिलाकर आपको पता होना चाहिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप को। तो कुल मिलाकर अगले वीडियोज में हम लाएंगे डिलेक्सिया को, डिलेक्सिया को समझाएंगे। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग हम ये जो नोट्स अपने से पढ़ा रहे हैं इसको आप ज़रूर नोट्स करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो यही दुआ के साथ हम लोग वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।